किसानों को बीज की उपलब्धता के लिए कृषि विभाग को सख्त योजना बनानी चाहिए। गांव और किसान स्तर पर बीजों की उपलब्धता की योजना बनानी चाहिए। बीजों के अंकुरण क्षमता की जांच होनी चाहिए। साथ ही बीजों के उपयोग को निर्देशित करना चाहिए और उपलब्धता की भी समीक्षा करनी चाहिए, ऐसा कृषि मंत्री दादा भूसे इन्होंने कहा। अमरावती संभाग के संभाग स्तरीय खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में संरक्षक मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखेड़े, जिला कलेक्टर शैलेश नवल, संभागीय कृषि संयुक्त निदेशक शंकर तोतावार, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय सोखले, नवनाथ कोलबकर, डॉक्टर के बी खोत, नरेंद्र नाईक उपस्थित थे। साथ ही विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों, कलेक्टरों, कृषि अधिकारियों ने ऑनलाइन भाग लिया था। कृषि मंत्री भूसे ने कहा कि हर साल खरीफ सीजन के दौरान बीज और उर्वरकों के मुद्दों को बड़े पैमाने पर महसूस किया जाता है, इसलिए दोनों की योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण है। बीज आपूर्ति प्रणाली और किसानों से बीज को जोड़ने की जरूरत है। फसल बुआई क्षेत्र द्वारा आवश्यक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को सतर्क रहने की जरूरत है। बीज उपलब्धता की जिम्मेदारी कृषि सेवकों को दी जानी चाहिए। इसका सटीक डेटा जनरेट किया जाना चाहिए। यह सरकारी भूमिका के साथ साथ बीज बोने के लिए उपलब्ध भूमिका के लिए उपयोगी होगा। कृषि विभाग को निकट भविष्य में बीज उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष स्थिति को देखते हुए किसानों को अपने बीज का पंजीकरण कराना होगा। साथ ही कृषि मंत्री ने अमरावती में भी समीक्षा बैठक ली। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज, नागपुर।